हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ पालक के पराठे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्थी होते हैं। इसके साथ मैंने सर्व किया है, जो कि मैंने एक दिन पहले ही बनाई थी, मिर्च के टपोरे। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। पालक के पराठे के बनाने के लिए हम लेंगे पालक, हरी मिर्च, और हम पालक के अंदर हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। के बाद हम उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर, उसके बाद हम ऐड करेंगे नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ी हल्दी ऐड करेंगे, यह है धनिया पाउडर, और यह है गरम मसाला, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। अब हम वीट फ्लोर लेंगे और उसके अंदर हम थोड़ी अजवाइन ऐड कर देंगे। उसके अंदर हम घी या ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं, और हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। हम आटे को अच्छे से, आटे में अच्छे से नमक, अजवाइन और सॉल्ट को मिला लेंगे। उसके बाद जो हमने तैयार किया था पालक और मसालों का मिक्सचर, उसको हम ऐड कर देंगे आटे में और उसको अच्छे से गूंद लेंगे। आटे को गूंदने के बाद हम उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के 15 मिनट के रेस्ट पे रख देंगे। उसके बाद हम उसके पराठे बना लेंगे। हम सभी पराठों को इस तरह से गोल कर लेंगे और घी या ऑयल में फ्राई कर देंगे। पराठों को हम थोड़ा थोड़ा घी लगा के अच्छे से सेक लेंगे। ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने के अंदर, खाने में, और हेल्दी भी होते हैं। हम ऐसे पराठे को सेक लेंगे। देखिए कितने अच्छे से पराठा सिक चुका है, और हम सभी पराठों को इसी तरीके से बना लेंगे। मैं काफी बार अपनी बेटी को पालक के पराठे बना के टिफिन में देती हूँ, उसको बहुत अच्छे लगते हैं। आप ये किसी बिना सब्जी के भी खाएंगे तो भी अच्छे रहेंगे। मैं कोशिश करती हूँ हर रोज किसी ना किसी चीज के पराठे बनाकर अपनी बेटी को टिफिन में दूँ। हम सभी पराठों को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा घी लगा के सेक लेंगे। मैं देसी घी लगा के सेक रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट देसी घी थोड़ा हेल्थी रहता है, तो मैं पराठे देसी घी में बना लेती हूँ। सभी पराठों को अच्छे से सेक लेंगे। सारे परांठे बन के रेडी हैं, हम इसको गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय।